नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज। मैं विजय खौसे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। तो आइए सुनते हैं आज की पत्र परिषद। मैं एजाज खान, महासचिव समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश। मैं महा विकास आघाड़ी सरकार से ये निवेदन करता हूं कि कानून के अंदर में ऐसी तरतूद की जाए कि जो भी व्यक्ति देश के अंदर में, राज्य के अंदर में जातों के नाम पे, धर्म के नाम पे अधार्मिक मुद्दों को उठा के लड़ाने का काम करता है तो उनको फांसी की सजा होना चाहिए। राज ठाकरे के वो महाराष्ट्र सरकार से ये विनती है कि कानून के अंदर में तरतूद करके उसको फांसी की सजा दी जाए ताकि ऐसा दोबारा कोई भी व्यक्ति इस राज्य के अंदर में, देश के अंदर में इस तरीके की हरकत ना करे। नेतागिरी करे तो विकास के नाम पे करे, रोजगार के नाम पे करे, ना कि धर्मों को लड़ाने के नाम पे ना करे और देश की शांति को भंग करने के लिए ना करे। कल जो कोई साइंटिस्ट नहीं है, उनके खानदान में कोई साइंटिस्ट पैदा भी नहीं हुआ। राज ठाकरे साहब एक मामूली से नेता है, उनकी जानकारी बहुत कम है। अगर उनको नॉइस पोल्यूशन की जानकारी होती तो इस तरीके के बेबुनियाद बेढंगी बात बिल्कुल नहीं करते। मैंने आपसे कहा कि नॉइस पोल्यूशन मशीनरीज और ट्रांसपोर्टेशन से होता है, जो जिसकी वजह से ह्यूमन और एनिमल ये दोनों की जानों को खतरा निर्माण होता है। अगर अजान की आवाज से जानों इंसान को और जानवरों को नुकसान होता तो आज हमारे देश के अंदर में इतनी बड़ी आबादी हमारी नहीं होती और हमारे यहां जितने बड़े आज जंगलों के अंदर में जानवर नहीं होते। समाजवादी पार्टी ये कदम उठाएंगी कि हम वो व्यक्ति जहां जहां भी जाएगा हम उसका खुला विरोध करेंगे। हमने ये भी कहा कि अगर वो पत्थर से मारेगा तो हम भी पत्थर फेंक के मारने की ताकत रखते हैं। तो हम चेतावनी दे रहे राज ठाकरे साहब को कि अपनी औकात और हैसियत में रह के इस राज्य की शांति को भंग ना करे, बल्कि अगर आप अपनी रवैये में वापस नहीं आए, अगर आप अपनी लाइन पे नहीं आए और अगर शहर राज्य की शांति को बहाल नहीं रखे आपने तो हम आपके विरोध बिल्कुल मैदान में उतरेंगे और आपको इसका जवाब देंगे। बिल्कुल इसमें देर कर दी महा विकास आघाड़ी सरकार ने, उसको तो उसी दिन औरंगाबाद में उठा लेना चाहिए था, उस पर उसी वक्त गुनाह दर्ज करना चाहिए था और उसको बख्शना नहीं चाहिए। ऐसी नफरत फैलाने वाली आवाजों को तो कुचल देना चाहिए। आज या महाराष्ट्रात काही दिवसापासून एक भोंगे मस्जिदीहून काढावे हे एक अराजकतेचा माहोल राज ठाकरे करीत आहेत। त्यांना आमची एक कडकडीची विनंती आहे की हा महाराष्ट्र फुलेशाहू आंबेडकर आणि शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, संतांचा महाराष्ट्र आहे आणि या महाराष्ट्रामध्ये अशी अराजकता आणि दहशत समाजासमाजात तेढ निर्माण करू नये। आणि जर का हे असं करत असतील तर शासनाला आमची विनंती आहे, जो कोणी या महाराष्ट्रात अराजकता फैलवण्याचे काम करत असेल ते भोंगे काढ असे म्हणून तर शासनाने त्यांच्यावर कडक कारवाई करावे, आणखी त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरण्यात यावा, कारण इथली जनता हे खपवून घेणार नाही। काल त्यांनी शिवाजी महाराजांची समाधी टिळकांनी बांधली असं भाषणामध्ये 2 तारखेला म्हटलं होतं, पण त्यांचं हे भाषण खोडसाळपणाचे आहे। कालच काही इतिहासकारांनी आणि काही संघटनेनी त्यांचा विरोध केला, आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी शासनाला मागणी केली। आमचीही मागणी अशी आहे, रिपब्लिकन पक्षाची मागणी अशी आहे की जर हा अराजकता माजमात असेल राज ठाकरे याला शासनाने कडक कारवाई करून त्याच्यावर गुन्हे दाखल करून, देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करून
त्याला आदेश करावे ही आमची मागणी आहे।